नमस्कार मित्रों, UPPCS 2018 में जो प्रतियोगी छात्र प्रीलिम की परीक्षा में पास हो चुके हैं वो मेंस की परीक्षा में प्रश्नों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आने हैं पेपर में। तो आज आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है, 2 अप्रैल 2019 प्रयागराज लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि सम्मिलित विज्ञप्ति आई है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन मुख्य परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को वेतन द्वारा सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के अनिवार्य प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित 1, 2, 3, 4 के निर्धारित नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। कितनी होगी मित्रों? 20 होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय और 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा 125 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा 200 शब्द होगी और अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, निबंध और वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र पूर्व की भांति यथावत रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो GS के पेपर होने हैं 4, उनमें केवल बदलाव है कि 10 प्रश्न 125 वर्ड के लिखने होंगे और 10 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखने होंगे। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो पहले के एग्जाम की भांति होंगे और सामान्य हिंदी और निबंध इनके भी पूर्ववत रहेंगे। ठीक है दोस्तों।